बिग मैक देख रहे हैं आप और आपकी अभी जो एग्जिस्टिंग किचन है उसको स्मार्ट बनाने के लिए, पुराने जमाने से नए जमाने का बनाने के लिए, एडवांस और आगे की सोच रखने के लिए हम आपके लिए पुराना मिक्सर ग्राइंडर की जगह एक मिनी मिक्सर ग्राइंडर लेकर आए हैं, जो दिखने में कॉम्पैक्ट है लेकिन उतना ही दमदार भी है। उतना ही दमदार है, इनफैक्ट वो सारे काम करेगा जो आपके बड़े भारी और पुराने जूसर मिक्सर ग्राइंडर करते हैं। आप इसके अंदर ब्लेंडिंग कर सकते हैं, इसके अंदर ग्राइंडिंग कर सकते हैं, इनफैक्ट अगर आप चाहें तो इसके अंदर मिक्सिंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको दो डिफरेंट जार्स मिल रहे हैं, ये दिखने में आपको छोटा जरूर नजर आएगा एज कंपेयर टू वो वाला पुराना मिक्सर ग्राइंडर जो आप अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं, जो इतना बड़ा और भारी होता है, जिसको इस्तेमाल करने के लिए मूड बनाना पड़ता है पहले कि इसको अब नीचे से खींचू कबर्ड में से, फिर इसके अटैचमेंट्स लगाऊं। मैं जब भी यूज करता हूं हमेशा अपनी मॉम से डांट सुनता हूं क्योंकि इतना मेसी हो जाता है किचन, उसमें इतने सारे अटैचमेंट है, इतना बड़ा उसका मशीनरी है, उसको प्लग इन करो फिर हटाओ सफाई करो। नहीं, दिस इज जैसा डॉल्फिन ने कहा, आज के जमाने का क्विक काम करता है, कम जगह घेरता है पर उतनी ही दमदार परफॉर्मेंस। आप इसके अंदर अपनी फेवरेट स्मूदी से लेकर अपनी छाछ लस्सी से लेकर हार्ड चीजों को अगर ग्राइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कॉफी बीन्स या फिर सूखी हल्दी, तो ऐसी चीजें भी इसमें चुटकी बजाते पिस जाती हैं। सबसे डिफिकल्ट वाली चीज कह दी आपने मनीष, के सूखी हल्दी यानी जो पक्की प्रॉपर पत्थर जैसी हल्दी आती है, यस, उस तक को ये ग्राइंड कर देगा। थोड़ा सा समय के साथ आप प्यार से करिएगा, हो जरूर जाएगा, लेकिन बाकी मसाले जो रोजमर्रा की जिंदगी में रोज पिसते हैं, लाइक भुना हुआ जीरा आपका हो गया, आपकी मिर्ची जो साबुत मिर्ची होती है उसका पाउडर बनाना है, धनिया का पाउडर बनाना है धनिया को पीस के, ये सब कुछ आराम से इसमें मिनटों में हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप चटनी के शौकीन है तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि चटनी में एंटी ऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं तो वो हेल्थ के लिए भी उतनी ही जबरदस्त होती है जितनी टेस्ट में अच्छी होती है। देयरफॉर आप इसमें हल्दी की, सॉरी धनिया की, पुदीने की, टमाटर की, जैसी चटनी पसंद तो आप इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं और बार बार उतारने और लगाने का कोई झंझट नहीं होगा, अपने लिड के साथ आएगा। अब इसके अंदर आपको हार्ड मसाले पीसने हो, इसके अंदर टोमेटो की प्यूरी बनानी हो, इसके अंदर आपको चटनी बनानी हो, वो सारा काम आपका हो जाएगा, बस लिड आपको लगाना है और वन बटन ऑपरेशन है, एक बटन दबाते ही ये फॉर्म करना शुरू कर देगा। इसके साथ एक कॉर्ड है जिसको आप इजीली इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट इज, इसको बिना हटाए इसके ऊपर ही बड़ा इनोवेटिव सा लगा मुझे डिजाइन। आप बस कुछ इस तरीके से अपना ब्लेंडिंग जार को कनेक्ट करिए, उसके बाद आपको अगर लस्सी पीने का मन है, अपना प्रोटीन शेक अगर आपको बनाना है, या फिर अगर आपको कोई बैटर बनाना है, जैसे पैनकेक के लिए, डोसा के लिए या फिर इडली के लिए, तो वो भी इसके अंदर ब्लेंड हो जाएगा। आपको अपनी कोई स्मूदी बनानी है तो वो भी इसके अंदर बन जाएगी। बेसिकली अगर आपको किसी भी चीज को ब्लेंड करना है, टोमेटो की प्यूरी बनानी है तड़का लगाने के लिए, तो वो भी काम इसके अंदर हो जाएगा। और बस इतनी ही जगह ये इन टोटल आपके किचन में घेरने वाला है, दैट इज इट। टू बी ऑनेस्ट, अगर जार क्लीनिंग के लिए गया तो बस इतनी सी चीज के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये लिटरली इस जमाने के आज करके घरों के लिए बनाया गया, जहां पर स्पेस कम होते हैं बट उनको बहुत इंटेलिजेंटली यूटिलाइज किया जाता है, उन किचन्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट। एंड इनफैक्ट भारत में आमतौर पे मोस्टली घर आजकल स्टूडियो अपार्टमेंट्स चल रहे हैं, हर कोई अपने घर से थोड़ा दूर गया हुआ है, बच्चा कहीं काम करने के लिए, किसी जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, पीजी में रह रहा है, कहीं रह रहा है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें ना ऐसे टाइम पे हमेशा काम आती हैं। मुंबई में अगर आप रहते हैं तो हम भी जानते हैं कि देखिए वहां पे घर तो देखिए बढ़िया छोटे छोटे होते हैं, तो वहां किचन आप मोस्टली जितनी कॉम्पैक्ट बनाए उतना बेटर है, क्योंकि महंगाई इतनी है, तो जाहिर सी बात है 2500 से लेके कम 4000 की नॉर्मल मिक्सी आपको मिलती है, जिसमें जाहिर की बात है कि मोटर थोड़ी दमदार ज्यादा होगी लेकिन बहुत सारी जगह घेरेगी और बहुत तामझाम लगेगा। सिमिलरली यही अच्छी खासी बढ़िया मोटर वाली ये मिक्सर ग्राइंडर, जो मिनी मिक्सर ग्राइंडर है, वो आपके सारे काम कर देगा। अगर आपकी 4 लोगों की फैमिली है तो भी आप इसमें रोजमर्रा के मिल्क शेक बनाने हैं, बच्चों के लिए चॉकलेट शेक बनाना है, सारे काम इसमें हो जाएंगे और रकम आपको अदा करनी है 999 रुपए सिर्फ। एग्जैक्टली, इनफैक्ट हमारे पास आज भी जो पुरानी वाली मिक्सी है उसका जार 999 रुपए का है। बिल्कुल, हम आपके लिए एक फुल फ्लेज्ड मिक्सर ग्राइंडर लेकर आए हैं जिसमें कि आप ब्लेंडिंग का भी काम कर सकते हैं। इसका दाम है 999 रुपए। ऑर्डर प्लेस करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप डायल कर सकते हैं, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने iOS या फिर Android पर रन करने वाले फोन पर, या फिर हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर भी ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, विच इज www.pickmax.com पर।
मनीष, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के घर गए और वहां जाके आपको रियलाइज हुआ यार यहाँ चटनी का फ्लेवर कुछ अलग ही आ रहा है या फिर यहाँ खाने में कुछ अलग ही मसाले फील हो रहे हैं वर्सेस कहीं और या फिर अपने घर में खाया हो? वो घर मेरा खुद का घर है क्योंकि मेरे घर में बहुत बढ़िया चटनियां बनती हैं। ओए होए क्या बात है। तो आपको पता होगा, जरूर अपनी मम्मा से पूछिएगा या फिर घर में जो कुक करते हैं आप भी करते ही हैं, आपने जरूर नोटिस किया होगा कि ऐसे में सबसे बड़ा रामबाण बढ़िया टेस्ट का होता है कि फ्रेश पिसे हुए मसाले। बिकॉज़ देखिए खाने की जो सोल होती है वो खाने के फ्लेवर्स होते हैं और हमारे इंडियन खाने में इतने सारे मसाले इस्तेमाल होते हैं जिसका कारण हमारे पास इतने सारे डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, इतनी डिफरेंट क्विजींस हमारी कंट्री में है। लेकिन कहीं पर भी वो कुकिंग में चार चांद नहीं लग सकते अगर आपके मसाले आप फ्रेश खरीद के घर पर पीस कर इस्तेमाल नहीं करते। आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, आप खुद ट्राई करिए, आप पैकेट वाला गरम मसाला खरीदिए, उसके बाद गरम मसाले का जो रॉ मटेरियल है वो इस्तेमाल करके घर पे लाइए, एज इन बाय करके घर पे लाइए और खुद पीसिए और उसके सामने रखिए एज इट इज, उन दोनों को स्मेल करिए, आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा कि कौन सा घर का पिसा हुआ फ्रेश मसाला है और कौन सा पैकेट का बासा मसाला। इनफैक्ट चटनी तो आई थिंक आपको बहुत ही प्यार से पता चल जाएगी मसाले में, अगर शायद कोई एक्सपर्ट पहचान पाए, चटनी तो सबको पता चलती है 3 दिन पुरानी है या अभी exactly. है। तो वो जो फर्क है ना, देखिए आप, मैं बता रही हूँ, एक रोटी एक्स्ट्रा खा जाएंगे, एक पराठा एक्स्ट्रा खा जाएंगे जब बहुत अच्छे टेस्ट और फ्रेशनेस के साथ हो, शरीर के लिए भी वैसे अच्छा ही है। तो यहाँ पर जो आपको सारी चीजें मिल रही हैं, आपको 2 जार इसमें साथ साथ मिल रहे हैं। एक तो उसमें फिक्स आ रहा है स्टील वाला जो कि मिनी जार है। अब आप देखेंगे बड़े मिक्सर ग्राइंडर भी जो होते हैं प्रॉपर फुल साइज के, उसमें भी मसालों को पीसने के लिए यही साइज ग्राइंडर जार्स आर ऑलवेज स्मॉल छोटे होते हैं। तो आप उसमें हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला यानी के मोटी वाली बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, वो जावित्री, ये सब कुछ जो टफ होते हैं पीसने के लिए वो सब आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन और सबसे अच्छी बात है कि ऊपर इसमें ट्रांसपेरेंट लिड है, exactly. तो आपको दिखेगा कि कैसे मसाले पिस रहे हैं। दूसरे अटैचमेंट में आप सारे लिक्विड काम कर सकते हैं। राइट तो अगर आपको चटनी पीसनी है, अगर आपको प्योरी बनानी है, अगर आपको स्मूदी बनानी है, बच्चों के लिए पैनकेक्स बनाने, इडली डोसा बनाने का बैटर बनाने, तो वो भी आप बड़े वाले जार में कर सकते हैं क्योंकि इसकी कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर आपको ब्रेकफास्ट में जरूरत पड़ती है तो ये ऑलरेडी मिक्सी बहुत ही छोटी है, ज्यादा स्पेस नहीं घेरेगी, तो इजिली आपके टेबल पर, आपके जो किचन का टेबल है उस पर फिट भी हो जाएगी। इनफैक्ट आप इसके अंदर कॉफी बीन्स पीस सकते हैं, जो स्टील वाली अटैचमेंट हम आपको ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ खड़े मसाले नहीं, आप कॉफी बीन्स पीस कर फ्रेश कॉफी अगर सुबह सुबह पीना चाहते हैं, जिसके बाद आपका दिन ऑब्वियसली बहुत बढ़िया हो जाएगा। सुबह की पहली, जैसे आई एम अ टी पर्सन, पर मैं जानता हूं कि जो क्रेविंग मुझे चाय पीने की होती है वो सेम भावना है कॉफी वाले इंसान के अंदर भी, अगर उसे भी सुबह सुबह अच्छी बढ़िया फ्रेश कॉफी मिल जाए तो दिन बढ़िया हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसके लिए स्पेशली अलग से कॉफी ग्राइंडर खरीदने की बजाय आई थिंक ये काफी हेल्पफुल रहेगा। 999 रुपए में किचन के सारे पिसने के काम जितने भी होते हैं, मसाले से लेके ब्लेंडिंग से लेके मट्ठा अगर आपको बनाना है, आपको दूध को फेंट के उसमें से दही निकालना है, ये सारे छोटे छोटे काम जो होते हैं ना वो ब्लेंडर और मिक्सर मिला के सब सॉल्व कर देगा। स्टेनलेस स्टील की बॉडी है, 150 इसमें आपको मोटर मिल रही है जो कि काफी है, नहीं बिल्कुल सफिशियंट है अगर आपके घर में 4 से 5 लोग हैं। तो देखिए जो छोटा वाला अटैचमेंट है ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ये हार्ड मसालों के लिए, वैसा तो नहीं कि आप एक बारी में 2 किलो इलायची पीसेंगे, नहीं, मसाले हमेशा थोड़ी कम क्वांटिटी में ही इस्तेमाल होते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर आप सारे मसाले भी अगर पीसेंगे तो बहुत सारा मसाला आपका इकट्ठा हो जाएगा जब आप उसको मिक्स करेंगे। बहुत सारे मसाले हमने ऑलरेडी पीस के भी रखे हुए हैं, जैसे हमने सूखा धनिया पीसा हुआ है, हमने हार्ड हल्दी पीसी हुई है, सूखी लाल मिर्च पीसी हुई है, गरम मसाला पीसा हुआ है। इसके अलावा जो ऊपर वाला जार है यानी कि जो ट्रांसपेरेंट बड़ा वाला जार है, ब्लेंडर में आप अगर टोमेटो प्यूरी बनाना चाहते हैं, चटनियां बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। वायर जो है वो आपको पूरी साथ साथ अच्छी बड़ी मिल रही है, तो प्लग पॉइंट दूर है तो भी टेंशन की बात नहीं, वरना हम आपको अच्छे से यहाँ पे बना के दे रहे हैं। 2 पिन का है तो जाहिर सी बात आपको पता चल रहा है कि बिजली की खपत बहुत ही कम होने वाली है। और आप सामने की तरफ देखिए, बस 1 बटन ऑपरेशन है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसे इस्तेमाल करना। आप प्लग ऑन करने के बाद बस इस 1 बटन को पुश करेंगे तो ये मिक्सर ग्राइंडर अपना काम करना स्टार्ट कर देगा और ट्रांसपेरेंट लिड होने की वजह से आपको हमेशा पता भी चलता रहेगा कि कितना चीज पिस चुकी है या अभी और कितना फर्दर बाकी है। आप भी अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अरे यही वाला क्या ऑर्डर करना है, जल्दी से ऑर्डर करिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए। इन्वेस्टमेंट है काफी लंबे समय के लिए, आप एकदम फ्री हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बिलीव मी। शॉपिंग जरूर करिए। कैसे करनी है शॉपिंग ये अगर आपका सवाल है तो 999 रुपए आपको अदा करने हैं अभी या फिर कैश ऑन डिलीवरी, दोनों ही सुविधाएं हैं। उसके अलावा आप हमारी ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट www.picmax.com पर भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर जहां आप देख रहे हैं टीवी पर, अगर हम आप देख रहे हैं तो नंबर आ रहा होगा नीचे, कॉल करिए, ऑर्डर प्लेस करिए, नाम बताइए, पिन कोड बताइए, जल्दी से आपके पास पहुंच जाए।
फटाफट से आपको बता दें, अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है पिक मैक्स पर, तो आज हम आपके लिए एक खास चीज लेकर आए जो कि आपके किचन एक्सपीरियंस को ज्यादा कन्वीनियंट बनाएगा, फास्टर बनाएगा एंड बेटर बनाएगा। आज एक मिनी ब्लेंडर मिक्सर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके अंदर आप खड़े मसाले पीसना चाहें तो वो भी काम कर सकते हैं, स्मूदी, चटनी, प्योरी जैसी चीजें बनाना चाहें तो वो भी आप कर पाएंगे। इनफैक्ट ये छोटा सा दिखने वाला मिनी मिक्सर बहुत ही पावरफुल है, इसके अंदर 150 वॉट्स की मोटर आपको मिलेगी, वन बटन ऑपरेशन है और सिर्फ 999 रुपए। लेकिन आई कांट वेट टू टेल यू कि बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, भर भर के लोग ऑर्डर कर रहे हैं, तो भाई मुबारक हो, आप अच्छे त्योहारों के आगे अपने घर में कोई अच्छी चीज लेकर आ रहे हैं तो बहुत आपके लिए फलने वाली है, तो जरूर से जरूर इस समय शॉपिंग कर लीजिए, बहुत अच्छा मुहूर्त है। अभी देख रहे हैं, अभी ऑर्डर प्लेस करिए, सब छोड़िए, जल्दी से ऑर्डर प्लेस करिए। आखिरी के 10 मिनट अब आपके पास बचे हैं, अगर आपको भी ये ग्राइंडर एंड ब्लेंडर अच्छा लग रहा है, अपने लिए मंगवाना चाहते हैं या फिर आने वाले फेस्टिव सीजन में, क्योंकि वो साल का दिन होता है जब किचन के लिए कुछ भी नया खरीदना हो तो शुभ माना जाता है, अगर आपको एक नया खरीदना था तो सिर्फ 999 रुपए में हम आपके लिए लेकर आए हैं। पर आखिरी के कुछ मिनट अब आपके पास हैं, उसके बाद ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा, उसके बाद मौका निकल जाएगा बढ़िया बढ़िया मसाले, चटनी, ये सब कुछ बनाने का कि आपको लगे यार ये मेरी जो पुरानी मिक्सी है जैसा भी मिस्त्री काम चला लो ऐसा लगेगा। लेकिन ऐसा क्यों करना है जब आप सिर्फ 999 रुपए में एक छोटे से इन्वेस्टमेंट में इतनी बढ़िया चीज अपने घर लेकर आ रहे हैं जो कि मिनी मिक्सर ग्राइंडर है। नाउ ये मिनी है लेकिन बहुत सारे काम आपके, इनफैक्ट सारे ही काम जो एक प्रॉपर मिक्सर ग्राइंडर करता है वो सब कुछ इसमें हो जाएगा। इसीलिए हम आपको इसमें दो तरह के जार्स दे रहे हैं, एक तो अटैच आ रहा है स्टील वाला जो कि मसालों के लिए यानी सूखे सारे कामों के लिए बढ़िया रहने वाला है, कॉफी तक पिस जाएगी, हल्दी की गांठें जो होती हैं वो तक इसमें एकदम बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। इनफैक्ट उसके अलावा आप चाहे ड्राई फ्रूट्स आपको पीसने हैं किसी मीठा बनाने के लिए वो भी पिस जाएंगे। साथ साथ आपको ब्लेंडर मिल रहा है जिसमें आप अपनी बढ़िया से बढ़िया शेक्स बनाइए, प्यूरे बनाइए, टोमेटो प्यूरे बनाना है, चटनी जो बनाना है ट्राई करिए, लेकिन शॉपिंग टाइम से करिए। देखिए शॉपिंग टाइम से करना बहुत जरूरी है और शॉपिंग करने के क्या क्या तरीके आपके पास है वो भी आप समझ लीजिए। अगर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं तो नीचे आपको एक नंबर नजर आ रहा होगा, उस पर आप डायल करें, आपका नाम, पता और एरिया पिन कोड हमें बताएं, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इसके अलावा आप iOS फोन चलाते हैं या एंड्रॉइड फोन चलाते हैं, iOS में आपको ऐप स्टोर मिलेगा, एंड्रॉइड में आपको प्ले स्टोर मिलेगा और दोनों में ही आपको पिक मैक्स की एप्लीकेशन मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसे डाउनलोड करिए, वहां से ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे, या फिर आप इंटरनेट पर जाएं और हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वहां पे भी डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट भी हम आपको देते हैं, सारी सुविधाएं अवेलेबल है। इनफैक्ट इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों के ऑप्शन आपको दिख जाएंगे जो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको जरूरत पड़ जाए। कहां आपको जाना है, www.pickmax.com पर। देख रहे हैं आप और आपकी अभी जो एग्जिस्टिंग किचन है उसको स्मार्ट बनाने के लिए, पुराने जमाने से नए जमाने का बनाने के लिए, एडवांस और आगे की सोच रखने के लिए हम आपके लिए पुराना मिक्सर ग्राइंडर की जगह एक मिनी मिक्सर ग्राइंडर लेकर आए हैं जो दिखने में कॉम्पैक्ट है लेकिन उतना ही दमदार है। इनफैक्ट वो सारे काम करेगा जो आपके बड़े भारी और पुराने जूसर मिक्सर ग्राइंडर करते हैं। आप इसके अंदर ब्लेंडिंग कर सकते हैं, इसके अंदर ग्राइंडिंग कर सकते हैं, इनफैक्ट अगर आप चाहें तो इसके अंदर मिक्सिंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको दो डिफरेंट
जार्स मिल रहे हैं, ये दिखने में आपको छोटा जरूर नजर आएगा एज कम्पेयर टू वो वाला पुराना मिक्सर ग्राइंडर जो आप अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं, जो इतना बड़ा और भारी होता है, जिसको इस्तेमाल करने के लिए मूड बनाना पड़ता है पहले कि इसको अब नीचे से खींचू कबर्ड में से, फिर इसके अटैचमेंट्स लगाऊ। मैं जब भी यूज करता हूँ हमेशा अपनी मॉम से डांट सुनता हूँ क्योंकि इतना मेसी हो जाता है किचन, उसमें इतने सारे अटैचमेंट है, इतना बड़ा उसका मशीनरी है, उसको प्लग इन करो फिर हटाओ सफाई करो, नहीं। दिस इज जैसा डॉल्फिन ने कहा आज के जमाने का, क्विक काम करता है, कम जगह घेरता है पर उतनी ही दमदार परफॉर्मेंस। आप इसके अंदर अपनी फेवरेट स्मूदी से लेकर अपनी छाछ लस्सी से लेकर हर चीजों को अगर ग्राइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कॉफी बीन्स या फिर सूखी हल्दी, तो ऐसी चीजें भी इसमें चुटकी बजाते पिस जाती हैं। सबसे डिफिकल्ट वाली चीज कह दी आपने मनीष, के सूखी हल्दी यानी जो पक्की प्रॉपर पत्थर जैसी हल्दी आती है, यस, उस तक को ये ग्राइंड कर देगा। थोड़ा सा समय के साथ आप प्यार से करिएगा, हो जरूर जाएगा, लेकिन बाकी मसाले जो रोजमर्रा की जिंदगी में रोज पिसते हैं, लाइक भुना हुआ जीरा आपका हो गया, आपकी मिर्ची जो साबुत मिर्ची होती है उसका पाउडर बनाना है, धनिया का पाउडर बनाना है धनिया को पीस के, ये सब कुछ आराम से इसमें मिनटों में हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप चटनी के शौकीन है तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि चटनी में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं तो वो हेल्थ के लिए भी उतनी ही जबरदस्त होती है जितनी टेस्ट मिर्ची होती है। देयरफॉर आप इसमें हल्दी की सॉरी धनिया की, पुदीने की, टमाटर की, जैसी चटनी पसंद आती है, लहसुन की, हर तरह की चटनी आप इसमें ट्राई कर सकते हैं जबरदस्त तरीके से। एकदम बारीक चाहिए या थोड़ी दरदरी चाहिए वो भी हो जाएगी। मनीष यहां पर आपको दो तरीके की अटैचमेंट इसमें मिल रही है, एक तो इसमें फिक्स आ रही है स्टील वाली, राइट। अच्छा मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं कि कितना और क्या मैकेनिज्म है। सो दिस इज ऑल, ये जो बस इतना सा जो आप मशीनरी देख रहे हैं, बस ये इतने से ही आपके सारे काम होने वाले हैं। हाँ। इसके साथ बस एक एडिशनल आपको डिफरेंट जार हम देंगे जिसमें आप अपना ब्लेंडिंग का काम कर सकते हैं। नाउ आपके घर पर ऑलरेडी भी मसाले आप जिसमें पीसते हैं या फिर चटनी आप जिसके अंदर पकाते पीसते हैं वो सारे इतने ही अटैचमेंट्स होते हैं। इसके अंदर क्या अच्छी बात है कि ये वाला अटैचमेंट इसके साथ फिक्स रहेगा तो आप इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं और बार बार उतारने और लगाने का कोई झंझट नहीं होगा। अपने लिड के साथ आएगा। अब इसके अंदर आपको हार्ड मसाले पीसने हो, इसके अंदर टोमेटो की प्यूरी बनानी हो, इसके अंदर आपको चटनी बनानी हो, वो सारा काम आपका हो जाएगा। बस लिड आपको लगाना है और वन बटन ऑपरेशन है, एक बटन दबाते ही ये फॉर्म करना शुरू कर देगा। इसके साथ एक कॉर्ड है जिसको आप इजी इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट इज इसको बिना हटाए इसके ऊपर ही बड़ा इनोवेटिव सा लगा मुझे डिजाइन। आप बस कुछ इस तरीके से अपना ब्लेंडिंग जार को कनेक्ट करिए, उसके बाद आपको अगर लस्सी पीने का मन है, अपना प्रोटीन शेक अगर आपको बनाना है या फिर अगर आपको कोई बैटर बनाना है, लेट्स से पैनकेक के लिए, डोसा के लिए या फिर इडली के लिए, तो वो भी इसके अंदर ब्लेंड हो जाएगा। आपको अपनी कोई स्मूदी बनानी है तो वो भी इसके अंदर बन जाएगी। बेसिकली अगर आपको किसी भी चीज को ब्लेंड करना है, टोमेटो की प्यूरी बनानी है तड़का लगाने के लिए, तो वो भी काम इसके अंदर हो जाएगा। और बस इतनी ही जगह ये इन टोटल आपके किचन में घेरने वाला है, दैट इज इट। टू बी ऑनेस्ट अगर जार क्लीनिंग के लिए गया तो बस इतनी सी चीज के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये लिटरली इस जमाने के आज करके घरों के लिए बनाया गया है जहां पर स्पेस कम होते हैं बट उनको बहुत इंटेलिजेंटली यूटिलाइज किया जाता है, उन किचन्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट। एंड इनफैक्ट भारत में आमतौर पे मोस्टली घर आजकल स्टूडियो अपार्टमेंट्स चल रहे हैं। हर कोई अपने घर से थोड़ा दूर गया हुआ, बच्चा कहीं काम करने के लिए, किसी जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए पीजी में रह रहा, कहीं रह रहा है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें ना ऐसे टाइम पे हमेशा काम आती है। मुंबई में अगर आप रहते हैं तो हम भी जानते हैं कि देखिए वहां पे घर तो देखिए बढ़िया छोटे छोटे होते हैं, तो वहाँ किचन आप मोस्टली जितनी कॉम्पैक्ट बनाए उतना बेटर है क्योंकि महंगाई इतनी है, तो जाहिर सी बात है 2500 से लेके कम से कम 4000 की नॉर्मल मिक्सी आपको मिलती है, जिसमें जाहिर की बात है कि मोटर थोड़ी दमदार ज्यादा होगी लेकिन बहुत सारी जगह घेरेगी और बहुत तामझाम लगेगा। सिमिलरली यही अच्छी खासी बढ़िया मोटर वाली ये मिक्सर ग्राइंडर, जो मिनी मिक्सर ग्राइंडर है, वो आपके सारे काम कर देगा। अगर आपकी 4 लोगों की फैमिली है तो भी आप इसमें रोजमर्रा के मिल्क शेक बनाने हैं, बच्चों के लिए चॉकलेट शेक बनाना है, सारे काम इसमें हो जाएंगे और रकम आपको अदा करनी है 999 रुपए सिर्फ। एग्जैक्टली, इनफैक्ट हमारे पास आज भी जो पुरानी वाली मिक्सी है उसका जार 999 रुपए का आता है। बिल्कुल, हम आपके लिए एक फुल फ्लेज्ड मिक्सर ग्राइंडर लेकर आए हैं जिसमें कि आप ब्लेंडिंग का भी काम कर सकते हैं। इसका दाम है 999 रुपए। ऑर्डर प्लेस करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप डायल कर सकते हैं, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने iOS या फिर Android पर रन करने वाले फोन पर, या फिर हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर भी ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, विच इज www.pickmax.com पर।
मनीष, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के घर गए और वहां जाके आपको रियलाइज हुआ यार यहाँ चटनी का फ्लेवर कुछ अलग ही आ रहा है, या फिर यहाँ खाने में कुछ अलग ही मसाले फील हो रहे हैं, वर्सेस कहीं और या फिर अपने घर में खाया हो? वो घर मेरा खुद का घर है, क्योंकि मेरे घर में बहुत बढ़िया चटनियां बनती हैं। ओए होए क्या बात है, तो आपको पता होगा, जरूर अभी मम्मा से पूछिएगा या फिर घर में जो कुक करते हैं आप भी करते ही हैं। आपने जरूर नोटिस किया होगा कि ऐसे में सबसे बड़ा रामबाण बढ़िया टेस्ट का होता है कि फ्रेश पिसे हुए मसाले। बिकॉज देखिए खाने की जो सोल होती है वो खाने के फ्लेवर्स होते हैं, और हमारे इंडियन खाने में इतने सारे मसाले इस्तेमाल होते हैं जिसका कारण हमारे पास इतने सारे डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, इतनी डिफरेंट क्विजींस हमारी कंट्री में है, लेकिन कहीं पर भी वो कुकिंग में चार चांद नहीं लग सकते अगर आपके मसाले आप फ्रेश खरीद के घर पर पीस कर इस्तेमाल नहीं करते। आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, आप खुद ट्राई करिए, आप पैकेट वाला गरम मसाला खरीदिए, उसके बाद गरम मसाले का जो रॉ मटेरियल है वो इस्तेमाल करके घर पे लाइए, एज इन बाय करके घर पे लाइए और खुद पीसिए और उसके सामने रखिए एज इट इज, उन दोनों को स्मेल करिए, आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा कि कौन सा घर का पिसा हुआ फ्रेश मसाला है और कौन सा पैकेट का बासा मसाला। इनफैक्ट चटनी तो आई थिंक आपको बहुत ही प्यार से पता चल जाएगी, मसाले में अगर शायद कोई एक्सपर्ट पहचान पाए, चटनी तो सबको पता चलती है कि 3 दिन पुरानी है या अभी। एग्जैक्टली, तो वो जो फर्क है ना, देखिए आप, मैं बता रही हूँ, एक रोटी एक्स्ट्रा खा जाएंगे, एक पराठा एक्स्ट्रा खा जाएंगे, जब बहुत अच्छे टेस्ट और फ्रेशनेस के साथ हो, शरीर के लिए भी वैसे अच्छा ही है। तो यहाँ पर जो आपको सारी चीजें मिल रही हैं, आपको 2 जार इसमें साथ साथ मिल रहे हैं, एक तो उसमें फिक्स आ रहा है स्टील वाला जो कि मिनी जार है। अब आप देखेंगे बड़े मिक्सर ग्राइंडर भी जो होते हैं प्रॉपर फुल साइज के, उसमें भी मसालों को पीसने के लिए यही साइज ग्राइंडर जार्स आर ऑलवेज स्मॉल, छोटे होते हैं, तो आप उसमें हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला यानी के मोटी वाली बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, वो जावित्री, ये सब कुछ जो टफ होते हैं पीसने के लिए, वो सब आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन और सबसे अच्छी बात है कि ऊपर इसमें ट्रांसपेरेंट लिड है, exactly. तो आपको दिखेगा कि कैसे मसाले पिस रहे हैं। दूसरे अटैचमेंट में आप सारे लिक्विड काम कर सकते हैं, right. तो अगर आपको चटनी पीसनी है, अगर आपको प्योरी बनानी है, अगर आपको स्मूदी बनानी है, बच्चों के लिए पैनकेक्स बनाने, इडली डोसा बनाने का बैटर बनाना है, तो वो भी आप बड़े वाले जार में कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर आपको ब्रेकफास्ट में जरूरत पड़ती है तो ये ऑलरेडी मिक्सी बहुत ही छोटी है, ज्यादा स्पेस नहीं घेरेगी, तो इजिली आपके टेबल पर, आपके जो किचन का टेबल है उस पर फिट भी हो जाएगी। इनफैक्ट आप इसके अंदर कॉफी बीन्स पीस सकते हैं, जो स्टील वाली अटैचमेंट हम आपको ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ खड़े मसाले नहीं, आप कॉफी बीन्स पीस कर फ्रेश कॉफी अगर सुबह पीना चाहते हैं, जिसके बाद आपका दिन ऑब्वियसली बहुत बढ़िया हो जाएगा। सुबह की पहली, जैसे आई एम अ टी पर्सन, पर मैं जानता हूं कि जो क्रेविंग मुझे चाय पीने की होती है वो सेम भावना है कॉफी वाले इंसान के अंदर भी, अगर उसे भी सुबह सुबह अच्छी बढ़िया फ्रेश कॉफी मिल जाए तो दिन बढ़िया हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उसके लिए स्पेशली अलग से कॉफी ग्राइंडर खरीदने की बजाय आई थिंक ये काफी हेल्पफुल रहेगा। 999 रुपए में किचन के सारे पिसने के काम जितने भी होते हैं, मसाले से लेके ब्लेंडिंग से लेके मट्ठा अगर आपको बनाना है, आपको दूध को फेंट के उसमें से दही निकालना है, ये सारे छोटे छोटे काम जो होते हैं ना वो ब्लेंडर और मिक्सर मिला के सब सॉल्व कर देगा। स्टेनलेस स्टील की बॉडी है, 150 की इसमें आपको मोटर मिल रही है, जो कि काफी है, नहीं बिल्कुल सफिशिएंट है अगर आपके घर में 4 से 5 लोग हैं। तो देखिए जो छोटा वाला अटैचमेंट है, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ये हार्ड मसालों के लिए, वैसे तो नहीं कि आप एक बारी में 2 किलो इलायची पीसेंगे, नहीं, मसाले हमेशा थोड़ी कम क्वांटिटी में ही इस्तेमाल होते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर आप सारे मसाले भी अगर पीसेंगे तो बहुत सारा मसाला आपका इकट्ठा हो जाएगा जब आप उसको मिक्स करेंगे। बहुत सारे मसाले हमने ऑलरेडी पीस के भी रखे हुए हैं, जैसे हमने सूखा धनिया पीसा हुआ है, हमने हार्ड हल्दी पीसी हुई है, सूखी लाल मिर्च पीसी हुई है, गरम मसाला पीसा हुआ है। इसके अलावा जो ऊपर वाला जार है, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट बड़ा वाला जार है, ब्लेंडर में आप अगर टोमेटो प्यूरी बनाना चाहते हैं, चटनियां बनाना चाहते हैं, तो वो आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। वायर जो है वो आपको पूरी साथ साथ अच्छी बड़ी मिल रही है, तो प्लग पॉइंट दूर है तो भी टेंशन की बात नहीं, वरना हम आपको अच्छे से यहाँ पे बना के दे रहे हैं। 2 पिन का है तो जाहिर सी बात आपको पता चल रहा है कि बिजली की खपत बहुत ही कम होने वाली है। और आप सामने की तरफ देखिए, बस 1 बटन ऑपरेशन है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसे इस्तेमाल करना। आप प्लग ऑन करने के बाद बस इस एक बटन को पुश करेंगे तो ये मिक्सर ग्राइंडर अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, और ट्रांसपेरेंट लिड होने की वजह से आपको हमेशा पता भी चलता रहेगा कि कितना चीज पिस चुकी है या अभी और कितना फर्दर बाकी है। आप भी अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए, अरे यही वाला क्या ऑर्डर करना है, जल्दी से ऑर्डर करिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए इन्वेस्टमेंट है काफी लंबे समय के लिए, आप एकदम फ्री हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बिलीव मी, शॉपिंग जरूर करिए। कैसे करनी है शॉपिंग ये अगर आपका सवाल है तो 999 रुपए आपको अदा करने हैं अभी, या फिर कैश ऑन डिलीवरी दोनों ही सुविधाएं हैं। उसके अलावा आप हमारी ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट www.pickmax.com पर भी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर जहां आप देख रहे हैं टीवी पर, अगर हम आप देख रहे हैं तो नंबर आ रहा होगा नीचे, कॉल करिए, ऑर्डर प्लेस करिए, नाम बताइए, पिन कोड बताइए, जल्दी से आपके पास पहुंच जाए।
2 मिनट्स ऑन द क्लॉक और हम आपको जाते जाते यही बताना चाहेंगे कि एक बहुत ही प्यारा सा मिनी मिक्सर ग्राइंडर हम आपके लेकर आए हैं जो आपके घर के किचन के सारे काम चुटकियों में करके खत्म कर देगा। तो मसाले पीसना हो, चटनी बनाना हो, प्योरे बनाना हो, आपको अगर सब्जी की तरी पका होता है ना, कई बार उसको मैश करते हैं, पूरा मिक्स करते हैं, फिर पकाते हैं, जो शाही पनीर में जैसा होता है तरीका, बटर चिकन में जैसा होता है, वैसा भी आप इसमें ग्राइंडर में 1 से 2 लोगों की अगर सब्जी बन रही है प्यार से हो जाएगा। ये सारे काम जो आपको करने हैं अब चुटकियों में हो जाएंगे, मिनटों में हो जाएंगे और बिना हैसल के हो जाएंगे, टेंशन ही नहीं लेनी। 999 रुपए में ड्रॉरों से, दराजों से वो बड़ी बड़ी मिक्सर ग्राइंडर नहीं निकालनी है, स्लैब पर ही रखना है और बढ़िया से तार के साथ आ रहा है, एक बटन के साथ है, इसको उसी से यूज करें और मतलब इजीली चलेगा। सबसे बढ़िया बात, ये वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे तो और बढ़िया है। यस, आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर भी आपको हमारा ये मिक्सर एंड ब्लेंडर इजीली अवेलेबल मिलेगा। आप वहां से ऑर्डर प्लेस करिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट मोड्स भी मिलेंगे, आप कैश ऑन डिलीवरी का भी फायदा उठा सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तो आप ऑब्वियसली डायल करके अपना ऑर्डर प्लेस कर ही पाएंगे। फटाफट से कॉल करके ऑर्डर प्लेस करिए, आखिरी के कुछ मोमेंट्स अब आपके पास बचे हैं। अगर आप भी इस बार अपने घर में कुछ नया एडिशन करना चाहते हैं तो किचन से स्टार्ट करना एक अच्छी चॉइस है।